नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बीजापुर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश में चल रहे ईडी और आईटी की छापेमारी को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इधर ईडी और आईटी विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस भवन से बीजेपी कार्यालय तक रैली निकाली गई और बीजेपी कार्यालय के सामने जंगी प्रदर्शन किया गया। तो कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी बीजापुर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान ईडी और आईटी के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और ईडी और आईटी के विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में हाथों में झंडे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए। इस दौरान ईडी और आईटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये प्रदर्शन किया गया। बताया, शुरुआत से ही हम सब देखते आए हैं कि नंदारूर क्षेत्र खेल के मामले में बहुत ज्यादा आगे रह के काम करने वाला है, खेलने वाला क्षेत्र है। चाहे कोई भी खेल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, जो कल्चरल प्रोग्राम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला क्षेत्र नंदलूर क्षेत्र है। और लगातार से ही सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आया है नंदलूर क्षेत्र राजीव युवा मितान। इधर जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार कटारा ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार कटारा ने जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम और समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका निराकरण किया गया। इस दौरान आपको बताते चलें कि क्रीड़ा, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण यंत्र की, शिक्षा, चिकित्सा समेत विभिन्न विभागों से 243 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 164 आवेदनों को शिविर पे ही तत्काल उनका निराकरण किया गया। तो जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। बताते चले कि शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी तमाम तरह की शिकायतें लोग लेकर लोग पहुंचे थे, जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया। भाजपा जिस हिसाब से विकास यात्रा निकाल रही है, उसको जनता ने पूरी तरीके से निराश यात्रा बना दिया है, और उस यात्रा के खिलाफ में ही हम लोगों ने आज आपको प्रेस वार्ता बुलाई है। और पूरे जो इनके भ्रष्टाचार और ये सब चीजें जो इन लोग कर रहे हैं, और उन सब चीजों का आपके सामने सम्मुख रखा है अभी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कहने पर समूचे मध्य प्रदेश में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की विकास यात्रा नहीं, निकास यात्रा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए विकास कार्य का हिसाब मांगा और कहा कि इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2018 में जनता का वोट 5 साल के लिए था, सरकार बीजेपी ने गिराई, कांग्रेस के शेष वचन पूरे करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। यदि कोई वचन छूट गया तो उन वचनों को 3 साल में राज्य सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया? किसान कर्ज माफी क्यों बंद नहीं की? सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 क्यों नहीं की समेत कई सवाल दागे गए और कहा कि 150 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि छुरिया से है, जहां हिंदू जागरण स्वाभिमान संत पदयात्रा का छुरिया नगर में आगमन हुआ। इस यात्रा में महंत महामंडलेश्वर स्वामी सर्वेश्वर दस के साथ तमाम लोग शामिल हुए। वहीं पाना बरस से शुरू होकर चार स्थानों से ये यात्रा अखिल भारतीय संत समिति की ओर से प्रारंभ समापन। बता दें कि यात्रा में बीजेपी जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव के साथ अन्य लोगों ने पूजा अर्चना कर यात्रा को रवाना किया। वही किरंदुल की रहने वाली डिंपल साहू अब ब्राजील में अपने देश भारत का नाम रोशन करेंगी और 30 से ज्यादा देशों से आए प्रतिभागियों के बीच भारत का गौरव बढ़ाएंगी। बता दें कि 2022 में 70 से ज्यादा प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर देते हुए मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंडिया बनी थी और स्टेट टाइटल अवार्ड जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। वहीं सिख बंदी तकरीबन 30 वर्षों से देश की अलग अलग जेलों में बंद है। न्यायालय द्वारा उनकी आपराधिक मामलों में न्यायालय प्रणाली और संविधान के अनुसार दी गई सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सजा पूरे होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। इन मांगों को लेकर सिख समुदाय सड़कों पर उतर आया है, जिसको लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पूरा दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ सिख पंचायत दुर्ग भिलाई की बीवियां सब हम लोग इकट्ठे होके उन बंदी सिंहों के लिए यहां पे इकट्ठे हुए हैं, जो आज 30-30 साल से अपनी सजा काटने के बावजूद भी आज जेलों में बंद हैं। आज हम लोग सब लोग एक रोष लेके आए हैं और ये हमको बोलने में कोई वो नहीं है कि हम रोष लेके आए हैं कि क्यों सिख समाज हमेशा सड़कों पे उतरना पड़ता है सिख समाज को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो सिख बंदी सिंह है पिछले 30 वर्षों से जेलों में बंद हैं और उनकी सजा जो न्याय प्रणाली के और संविधान के अनुसार उनकी सजा जो पूरी हो चुकी है और वो अपनी सजा से यानी कि फिर से वो 10-10 साल ऊपर सजा भुगत चुके हैं और ये सरकार जो है उसे उन्हें रिहा नहीं कर रही है। उसी को लेके आज यहाँ पर ये रोस मार्च निकाला गया है कि हमारा जो संविधान है और न्याय प्रणाली के अनुसार जब उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुर्ग की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों हॉकी संघ को एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड की सौगात दी। बता दें कि पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी ने बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने नगर निगम दुर्ग जमीन आवंटित करते हुए आगे कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था। साथ ही जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद ने आगे बताते हुए कहा कि दुर्ग जिले के हॉकी खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया गया। जिला हॉकी संघ ने अपनी बरसों पुरानी मांग को लेकर अपने जिला के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड के लिए मांग की थी, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला हॉकी संघ भी लगातार सक्रिय रहा और नगर निगम को इस कार्य के लिए निर्देशित किया गया। नगर निगम भी इस कार्य में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जब 22 अप्रैल 2022 को दुर्ग शहर में एक आम सभा लिए थे, उनके आगमन पर दुर्ग शहर के हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा मांग की गई है कि हमारे यहाँ स्टेडियम हॉकी स्टेडियम बनना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक अरुण बोरा जी के सहयोग से कहने से उन्होंने 10 करोड़ रुपए हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनाने की घोषणा की थी। उस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से हमें एक पत्र भी मिला था। उस पत्र में कार्रवाई आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की, जिसके तहत हमने ग्राउंड के लिए
जो जगह चयन करना था उस जगह का चयन भी किया और उस जगह पे आज वर्तमान स्थिति कि अब वो जमीन हमको अलॉट हो चुकी है स्टेडियम के नाम से। रुक करते हैं अगली खबर का जो कि कुंडा गांव से है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल के चपरासी का स्कूल के ही कुआं में आधा जला हुआ शव मिला। मृतक अजय कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो 2023 को हायर सेकेंडरी स्कूल मागड़ी के प्रिंसिपल एवं वहां के कर्मचारी के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुआ कि स्कूल परिसर में एक सूखा कुआं है, जहां पे वहां पे कार्यरत भृत अजय कुमार भंडारी मृत अवस्था में पड़ा है और कुआं के अंदर में आग लगा हुआ है। सूचना मिलते ही हम मौके पर घटनास्थल मुआयना करने पहुंचे तो वहां देखे कुआं के अंदर में जितना भी कचरे पत्ते होते थे स्कूल प्रांगण परिसर का वहीं पे डालते थे और ढेर था वहां का, वहां कचरा और पत्ते होते का ढेर था, उसमें आग लगा हुआ था। कुआं के अंदर में भृत अजय कुमार भंडारी का शव पड़ा। खबर मोहाला से है, जहां सरपंच जिला संघ जिला मुख्यालय के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि 15वें वित्त राशि का भुगतान न होने की वजह से हड़ताल पर बैठे हैं। भुगतान न होने की वजह से सरपंचों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन व्यापारियों और वेंडरों के दबाव के कारण सरपंचों को मानसिक और आर्थिक दबाव बना हुआ है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15वें वित्त का भुगतान 3 दिनों में नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिला संघ के तत्वाधान में जिला सरपंच का धरना 22/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के हमारे पूरे सरपंच लोग रहेंगे और हमें और जरूरत पड़े तो हम शासन को और भी तरीके से अवगत कराएंगे। और ये आज की हमारी आज शुरुआत दिन है, हम किसी प्रकार के प्रशासन को या प्रशासन की जो नियम कायदे हैं उसमें हम कहीं अड़चने नहीं आने देंगे। हम शांतिपूर्वक शांति भाव से हम लोग बैठे हैं और हमारे मांग के ऊपर है, सरकार को हम अवगत करा रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरा अगर नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में 55वें जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही अर्थ में पुलिस के जवानों के लिए प्रमोशन शब्द छोटा है। मैं आज वीरता का सम्मान करने आया हूं, मैं वीरों की पूजा करने आया हूं, वीरता का सम्मान नहीं हुआ तो वीरता बांझ हो जाएगी। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन और वीर शिवानी विधायक गुड्डा जायसवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पुलिस बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सीआरपीएफ के मित्रों को भी। एक साल में नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाइयां हुई हैं और हार्ड फोर्स देश के पुलिस बल को जो सफलताएं मिली है वो गर्व करने वाली है। हमारे जवानों ने घोर घने जंगलों में घनघोर परिश्रम करते हुए जो नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है और नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है वो तो बहुत बहुत अभिनंदनीय है। कि आज मैं तीसरी बार आया हूं इनका सम्मान करने, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने। विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रेम में आ रहा बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं
पीएनबी मोबाइल की लगभग 55 गांव में टेक्सटाइल योजना के माध्यम से किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का ये हमारा अभिनव योजना है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने परसवाड़ा विधानसभा के हमारे 55 ग्राम पंचग्राम के लिए एक ऐसी योजना बना के दिए हैं और जिनका शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी परसवाड़ा विधानसभा के लामता पहुँच रहे हैं। हमारा लामता टेक्सटाइल योजना मैं बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम पतौंडा गांव में दो दिन पहले उपद्रव का मामला सामने आया था। उपद्रव के बाद गांव में 24 घंटे पुलिस बल तैनात किया गया, साथ ही गांव के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के जिला प्रशासन ने आदेश दिए थे, जिस पर एसपी राहुल कुमार, कलेक्टर भव्या मित्तल ने गांव का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले स्थानों को चिन्हित किया गया। बता दें कि मंदिर मस्जिदों को सीसीटीवी कैमरे कवर करेंगे और साथ ही साथ फिलहाल गांव में अभी शांति का माहौल बना हुआ है। पातुंडा गांव में जो दो दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था उसमें लगातार जो है वो पुलिस और प्रशासन के प्रयास से अभी शांति बनी हुई है और हम लोग लगातार हर स्थिति पे मॉनिटरिंग करके रखे हुए हैं। साथ साथ में 144 का जो आदेश निकला था एक महीने पहले भी कि सोशल मीडिया पे कोई भी भ्रामक तथ्य अगर फैलाएगा तो उसके खिलाफ की जाएगी, तो हमारी जो टेक्निकल टीमें हैं वो लगातार उस पर मॉनिटरिंग भी कर रही है। अभी पंचायत के माध्यम से हम मेजर चौराहों पे मंदिर मस्जिदों को कवर करते हुए और मेन एरियाज जितने भी गांव में हैं जहां पे पहले भी पथराव इश्यूज हुए हैं और आगे भी हमें अपेक्षा है, तो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के तहत पंचायत के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं और इस तरीके से लगा रहे हैं कि कोई एक सीसीटीवी कैमरा किसी और सीसीटीवी कैमरा में भी कवर हो जाए और कोई भी टैम्परिंग ना हो ताकि यहाँ का जो इशू है वो भी सॉल्व हो और आगे भी हमारी पूरी नजर रहे और सतर्कता रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की, जहां स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर नगर निगम लगातार अवैध अतिक्रमण निर्माण को लेकर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में भागीरथपुरा क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीयों ने निगम की कार्रवाई का जमकर विरोध किया, वहीं स्थानीय और निगम कर्मियों के बीच में विवाद भी हो गया। बता दें कि लगभग 70 अवैध निर्माणों को निगम के बुलडोजर ने ध्वस्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। भागीरथपुरा रोड पर जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे उनको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि यातायात सुगम हो सके। इसलिए रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ है जो लोगों द्वारा जो घर के बाहर अतिक्रमण किए, होटलें बनाए हैं, कुछ गुमटियां रख दी है, इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है उनको हटा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। इस दौरान बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी की तथाकथित विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने निकास यात्रा बना दिया है। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में इस तरह की असफल यात्रा आज तक नहीं दिखी। घर का देख ले, अपनी पार्टी की बात के लिए आज उनकी स्थिति क्या बन गई है किसी भी देखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात करने का तरीका, भाषण देने का तरीका, जो आज की तारीख में शिवराज सिंह जी का जो सब तरह से स्तर जो खत्म और डाउन होगा, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बिगड़ गई, उससे यह स्पष्ट होता है कि सब मामला अब उनके हाथ से निकल जा चुका है। तो वो अपना देखे, अपनी कसावट करे, बाकी हमारी पार्टी का हम हमारे हिसाब से और आदरणीय हमारे कमलनाथ जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देख लेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना देख लेंगे। गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी जिसका कि 137 साल से भी पुराना है गौरवशाली इतिहास है, उस पर उनको टिप्पणी करना मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है। अच्छा, इतनी पुरानी पार्टी। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां सिमरौल के बीएम कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा पर कॉलेज के एक छात्र ने ज्वलंत पदार्थ डालकर आग लगाकर मारने की उसे कोशिश की थी। घटना में प्राचार्या विमुक्ता शर्मा 70% जल गई थी, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आरोपित छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद निजी कॉलेज के आक्रोशित प्राचार्यों ने घटना की निंदा की और प्राचार्यों ने मौन रैली निकाली। यही देना है कि इस तरीके का कृत्य भविष्य में किसी की इतनी हिम्मत न हो
छात्र हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम सबका सम्मान करते हैं, शिक्षक वर्ग है, संचालक गण है, हम लोग इस तरीके के काम में कहाँ लिप्त हैं कि किसी की हत्या करने का प्रयास, ये सब बहुत निंदनीय है। इसलिए हम लोग ये सब इकट्ठे हुए, आज इतने सारे लोग, सारे प्रोफेसर, ये सब पीएचडी प्रोफेसर से जितने लोग आए हैं, तो हम इन लोगों के पास ये काम तो है नहीं कि धरना प्रदर्शन, पर ये जो अंदर से आक्रोश है सबके मन में एक कि भाई ये किसी को अगर किसी में इतनी सभ्य हमारी प्रिंसिपल मैडम को किसी इस तरीके के कृत्य का, ये इस तरीके का आक्रोश, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये नशे और ये जो इस तरह की प्रवृत्ति को प्रशासन ने जो इंदौर शहर में जितने ये नशे का कारोबार हो रहा है, ये उसी कारण आज छात्र प्रवृत्ति ये आज बिगड़ रही है। शर्मा जी क्या हालत का बता, हालत अभी स्थिर है बिल्कुल, ये रिश्ता तारतारी हो गया यही लग रहा है, क्योंकि अब हम क्या भरोसा करेंगे और क्या सीख दे पाएंगे, हम कोई सीख ही नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो डरे हुए हैं कि हमारी अगर अस्मिता और हमारी जान दोनों पर खतरा है, हम अगर कुछ समझाने जाएंगे सिखाने जाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने को अपने अस्तित्व को भी तो बचाना है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, संस्कार किस दिशा में जा रहे हैं, और इस तरह से देश का क्या हाल होना है, और मानवीयता सबसे ज़्यादा उसका क्या हाल होना है, ये कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, मतलब यह कहा जा रहा है कि अगर आप संस्कार के लिए या आप नियम और अनुशासन की बात करेंगे तो आप गलत हैं। अब ये जमाना आ गया है कि अगर आप नियम अनुशासन की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप या तो छात्र जो कहे या आप सुन लें, या फिर आप अगर नियम अनुशासन की बात करेंगे तो आप अपनी सुरक्षा खुद साथ में बंदोबस्त करके चलें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की, जहां जी टीवी शो मित्री का प्रमोशन करने भाविका चौधरी इंदौर पहुंची। साथ ही उन्होंने अपने मित्री सीरियल में मैं नंदिनी का किरदार के बारे में लोगों को बताया और इंदौर आकर उन्हें कैसा लग रहा है उन्होंने इसका भी अनुभव साझा किया। हमारा जो शो है मैत्री, तो मैत्री का मतलब ही है फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो जो ये दो लड़कियों की कहानी है, मैत्री और नंदिनी, ये दोनों बचपन से ही इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मॉम ने बोला कि शादी हो जाएगी, तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओगी तो कैसे रहोगी एक दूसरे के बिना। तब इन दोनों ने साथ में बोल दिया कि हम एक ही लड़के से शादी कर लेंगे। मतलब इतनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है इस शो का वो यही है कि मतलब इतनी अगर स्ट्रांग दोस्ती है, इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ एट दी एंड कि मतलब दोनों में इतनी तकरार आ गई कि नंदिनी और मैत्री एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मैत्री देखेंगे। इंदौर शहर के हित में आईडीए दिन रात काम कर रहा है, शहर को सवारने के लिए यहां पर कई करोड़ों की लागत के काम होना बाकी है, जिसकी तैयारी में आईडीए जी जान जुटाया हुआ है। इसी को लेकर आज आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह की अध्यक्षता में इंदौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में इंदौर कलेक्टर इजराइलिया टी, इंदौर नियमायुक्त प्रतिभा पाल समेत आईडीए के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजनंद गांव की, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा रेखा मिश्राम ने के नेतृत्व में बढ़ते अपराध के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की लाचार कानून व्यवस्था और कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था और निरंकुश प्रशासन पर आरोप लगाए गए, जिसमें 35 से 40 की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की उस बच्ची के लिए आज का मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि अभी दो तीन दिन पूर्व ही रायपुर में गुड़ियारी में उस बच्ची के 16 साल की नाबालिग बच्ची को चाकू से पहले घायल करके उसे गुड़ियारी रोड में पूरा घायल कर बाल को खींचते हुए उस व्यक्ति ने उसे लेकर गए हैं। और लगातार इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में घट रही हैं, लगातार हमारा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।